जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज। चलो बच्चे, सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कुछ कुछ वॉयस के टॉपिक्स कर लिए थे, राइट। सो आज हम लोग कुछ अजीब तरह का कुछ अलग सा करेंगे, ताकि जो आज का टॉपिक है ना, बेसिकली वो किस चीज पे लेके है। आज का टॉपिक है कि हम लोग इंग्लिश तो बहुत बोल रहे हैं ना, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश अलॉट, हम लोग इंग्लिश तो बहुत बोल रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई अगर कुछ क्वेश्चन पूछे, सो हाउ टू रिप्लाई इट, उस क्वेश्चन को रिप्लाई कैसे करेंगे। ये हम लोग कब सीखेंगे बेटा, ये हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है। और इस चीज को आपको क्या करना है, आराम से आप बैठ के देखते रहो लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाएगा। चलो बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी रहे, देखो पहला हमारा सेंटेंस क्या है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, द सेकंड वन इज डज राम गो टू जंगल, द थर्ड वन इज डू यू वांट टू गो टू JNK, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो डिड यू बाय अ बुक, नेक्स्ट वन इज डिड यू वॉच माई ऑल वीडियोज, एंड द लास्ट वन इज डिड ही गो टू वंडर। बच्चे ये रिप्लाई क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो जैसे मान लो कोई पूछता है कि अच्छा डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक टू गो टू स्कूल, आप लोग यस सर आई लाइक टू गो टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि डू यू लाइक टू गो टू स्कूल, आप लोग यस सर आई लाइक टू गो टू स्कूल, ये गलत है। सुन लेना पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने ये चीज किया होगा। सुनो, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि डू यू लाइक टू गो टू स्कूल, आप लोग यस, ये भी तरीका गलत है। आप लोग यस सर, ये भी तरीका गलत है। आप लोग यस सर आई गो टू स्कूल, ये भी तरीका गलत है। यस सर आई गो, ये भी गलत है। समझ लेना मेरी बात। तो आप अभी तक जितना भी आप बोलते हो सारा का सारा क्या होता था, सारा का सारा गलत ही होता था भाई, है ना, सारा तो गलत ही होता था। सही क्या होता है ना, आज हम लोग सीखेगा क्या सही क्या होता है। चलो जी देखो ध्यान से, प्यार से देखते रहना, ठीक है ना। चलो कभी भी सुन लेना बार, और रिप्लाई हम लोग किस तरह के सेंटेंसेस का सीखेंगे, यस और नो वाले का, यस और नो वाले का। और जिनको भी ये लगता है कि ज्यादा इंग्लिश आ गया है, बचवा को भाई को ये भेजो, भाई को ये वाला वीडियो भेज देने का है, उसको श्योर है कुछ ना कुछ मिलेगा भाई को सीखने, है ना। बहुत किसी को घमंड हो जाता है कि हम इंग्लिश सीख किया है, हैं, अरे इंग्लिश ही सीख किया, इसको दिखाओ भाई को। चलो है ना, जिसको ज्यादा लगे तो भेज देने का है आराम से। चलो जी, सो क्या करना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन किस तरह का होंगे, यस नो वाले का होंगे, मीन्स जिसका जवाब या तो आप हाँ में करोगे या तो आप ना में करोगे। चलो जैसे एक सेंटेंस, जैसे मैंने बोला डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे जिसका जवाब आप बच्चे क्या यस या फिर नो में दे सकते हो, जिसका जवाब आप या तो यस या तो नो में दे सकते हो, सो उस तरह के क्वेश्चंस को रिप्लाई कैसे करें, दिस इज आर क्वेश्चन एंड पॉइंट एंड द टॉपिक ऑफ टुडे। चलो सो करना क्या है आपको इस तरह में, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बच्चा, ध्यान रहेगा बच्चुआ, सिर्फ एक ही बात है कि आपको ध्यान रखने को है, वो क्या है, सबसे पहला जो हम हर बार आपको बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उस पे फोकस करने को है। कहां पे, हर एक सेंटेंस में जिंदगी के हर एक सेंटेंस में बच्चा फोकस किस पे करना है, जो उसको हेल्पिंग वर्ब है उस पे, ये ध्यान रखे। अब रिप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से सुन लेने को है कि जो सब्जेक्ट है ना उसका, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तुम रात को क्या, तुम क्या करते हो, सो आप बोलोगे हम ये करते हैं, मैं ये करता हूं, है ना। सो इस पे ध्यान है, अगर वो क्वेश्चन यू करके पूछा है, सो यू हैव टू रिप्लाई विथ आई और वी, यू हैव टू रिप्लाई विथ आई और वी, ना कि यू। चलो जी, सो हमें क्या करना है, जो उसका सब्जेक्ट होगा वो हम लोग लिख देंगे, जो सब्जेक्ट होगा हम लोग उसको लिख देंगे, और उसके बाद जो उस सब्जेक्ट को रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब बनेगा उसको लिख देने का है, बस ध्यान रहेगा मेरा, बात सुन लेना ध्यान से आज से। और आज से ये गलती नहीं करना है, हर दिन शाम को हम लोग बात करते हैं तो हर कोई सेम मिस्टेक करते हैं, नहीं नहीं अब से नहीं करने को है, है? चलो सो क्या हमने बोला कि जो सब्जेक्ट है वो लिख देंगे एप्रोप्रिएट वाले, और उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको आप डाल देने को। देखो कैसे बन जाएगा, यहां पर सवाल क्या है, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, सो आप क्या बोलोगे, अगर हाँ है तो यस बोलोगे, अगर ना है तो नो बोलोगे। सो मान लो हम लोग यहाँ पर यस कर दिए, सो यस, तो आपको ये नहीं बोलना कि यस सर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ब्ला ब्ला ब्ला, यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस, ओके। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने कह दिया यस और आई लगा देंगे, क्यों बच्चे आई क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो आपको पूछा है तो आप आई करके जवाब दोगे, यस आई
यस आई डू। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब पूछा है डू, सो आपको क्या करना है? यस आई डू। बस ये हो जाएगा क्या हमारा प्रॉपर रिप्लाई एंड आंसर टू दैट क्वेश्चन, करेक्ट? चलो जी, अगला सेंटेंस, डज राम गो टू जंगल, क्या राम जंगल जाता है? अभी पता है नहीं जाता है कि नहीं, पर गए थे वो राम भगवान, गए थे जंगल को 14 years के लिए, राइट? चलो जी, सो यहां पर क्या करोगे, अगर कोई टीचर ने आपको पूछा, सो आप क्या लोग, यस सर या फिर मैम, यस सर और यस मैम, राम लिख दिया आपने, इसके बाद इसको हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है, तो राम के साथ क्या लग जाता है? हेल्पिंग वर्ब, डज लगता है, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी वाला इंसान है, यस सर राम डज। सो बेटा ये हो गया हमारा, ऐसा आपको रिप्लाई करना है ना कि यस सर राम गोज टू मार्केट, यस राम गोज टू जंगल, यस सर राम, यस सर राम गोज, इस तरह के नहीं बच्चे, है ना? चलो जी, अगला, डू यू वॉन्ट टू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहते हो? जी बिल्कुल जाना चाहते हैं, क्यों नहीं? सो आप क्या बोलोगे? यस आई डू। बस इतने को ध्यान रखना है। अब अगला पूछे, डिड यू बाय अ बुक, क्या आपने वो किताब खरीदा जो हमने आपको कहा था? क्या आप वो किताब खरीदे जो हम आपको बोले थे? नहीं खरीदा। अगर आप नहीं खरीदा, आपने समझ लो आप नहीं खरीदे बुक, नहीं माना बात, क्या करोगे? थिर हो ना। चलो जी, सो क्या बोलोगे? नो हेल्पिंग वर्ब आई। अब आपको चाहिए क्या? सब्जेक्ट लिख लिया आई, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है? पास्ट में सबके साथ डिड लगता है, पर ये तो नेगेटिव है ना, ये तो आपने नेगेटिव बोला, सो आप क्या करोगे? इसी में नेगेटिव को जोड़ दोगे, पर बेटा कोशिश करना जो नेगेटिव आप जोड़ोगे उसको जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो आप जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे? जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको आप जोड़ोगे। सो क्या बोलोगे? नो आई डिडंट कर दो, डिडंट कर दो या फिर डिंट कर दो या फिर जो करने करो, और इस डिंट के जगह आप अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो या फिर नो आई डिड नॉट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चा? अगले, इसके अगले बार बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, डिड यू वॉच माई ऑल वीडियोस, क्या आपने हमारी हर वीडियो देखी? अब बोलोगे नहीं सर, हर वीडियो नहीं देख पाए, मेरे को काम था, बच्चा खिला रहे थे, हैं ये सब कर रहे थे, नो सर हम लोग नहीं देख पाए, या फिर कुछ बंदे ऐसे हैं हमारे पास, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं जो सारे वीडियोस देखते हैं, सो वो क्या बोलेंगे? यस सर। वो क्या बोलेंगे? यस सर। तो सपोज कुछ एक से ज्यादा है तो वी कर देते हैं, यस सर वी क्या डिड, यस सर वी डिड, कितना इजी सा टॉपिक है। देखो आपको दिमाग में कभी ये नहीं रखना है कि ये सब मेरे को याद रखना है, चाहे रट लेना है, ये सब नहीं रखना है, बस ध्यान से बहुत प्यार से समझने का है। क्या समझना है? कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ उसको हम लोग गाड़ देंगे। चलो जी, अगला, डिड ही गो टू वंडर, क्या वंडर मींस होता है घूमने जाना, है ना? क्या वो घूमने गया? सो आप क्या करोगे? नो, अभी लॉकडाउन का टाइम है, पागल है क्या ये सब क्वेश्चन पूछता है, काके है के, है ना? ये सब क्वेश्चन फालतू चीज, कोई घूमने जाएगा, दम है क्या अभी घूमने जाने को? नहीं जाएगा ना। सो आप क्या करोगे? नो ही डिड कर दिया, अब नॉट लगाना है, सो डिड नॉट कर दो या फिर डिंट कर दो, नो ही डिंट। सो ये कुछ क्वेश्चन थे, अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ और सवाल की ओर, हम लोग बढ़ेंगे आज, ठीक है? चलो, अब हमारे ये क्या हो गए बच्चे, ये कुछ हमारे क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आप करो इसको सॉल्व, फिर हम लोग करेगा, पहले आप इसको सॉल्व करो अपने से, और आराम से आप करोगे, दिस इज माई गारंटी टू यू। चलो जी, बहुत ईजी से है, ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन, हैज रामलाल रिटन दिस पोएम, रामलाल नाम का समझ लो कोई कविया है, कोई कवि है या फिर पोएट जिसको आप कहते हो। सो ये पोएम आप किसी को पूछते हो कि क्या ये जो पोएम तुम पढ़ रहा है ये रामलाल ने लिखा है, अगर लिखा है तो हाँ, अगर नहीं लिखा है तो नो। सो समझ लो वो लिखा है, सो आप क्या करोगे? यस, क्या बोलोगे? यस कर देना है, कौन? रामलाल लेना, पर ध्यान रहे अगर नाम रहे, अगर कोई आपको नाम कुछ पूछा रहे सो उसके बाद रिप्लाई में राम आप नहीं करोगे, राम आप उसके बाद वो रिप्लाई में जो नाम वो पूछे वो नाम नहीं बोलोगे। अगर वो लड़का है सो यू विल यूज ही, अगर इफ सी इज अ गर्ल और वुमन सो यू विल यूज सी, ठीक है? अगर वो एक है ना सो रामलाल है तो क्या हो जाएगा, शायद लड़का है, शायद ये बछुआ है, सो आप क्या करोगे? यस
ही, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है ही के साथ, हैज लगता है, सो यस ही हैज, बस बन गया अगला अगला। अच्छा ये हम लोग सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, आपको याद ये सब यूज करना है आज से, आज संध्या बेला से, आज सांझ से आप इसको यूज करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे को, ये सब क्या इसको कहते हैं, ये सब इधर लिख कर रखने को नहीं है, हैं आपको ये सब यूज करने हैं, चलो जी। और आज के बाद से ये गलती नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, राइट। चलो जी, सो हैड सीता गॉन टू जंगल विद राम, क्या ये जो हमारी सीता माता थी राम के साथ जंगल गई थी, जी बिल्कुल गई थी, उनके बिना कैसे रहेगा, है अकेले कैसे रहेगी, चलो जी जो गई थी, बहुत बढ़िया। सो हैड सीता गॉन टू जंगल विद राम, यस 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 सी सी, क्योंकि वो महिला थी ना, सो यस सी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेड लगा देना है, बस इतने को ध्यान रखना है, ये तो गलती हो गया हमारे से, सो यस शी हैड, क्लियर। अगला, और अगर नहीं गई थी, चलो अगर सपोज कर लो क्या गई थी, नहीं गई थी मान लो, सो ये आपको क्या करना है, नो सी हेड कर दिया, हेड एंड कर दो, या फिर हेड नॉट कर दो, या बोथ आर करेक्ट, नॉट एन इशू, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, राइट। चलो जी, सो यस सी हैड और नो सी हैडंट, इसमें आपको पूरा नहीं बोला कि यस सी हैड, बोलोगे जो सर ज्यादा टैलेंटेड होता है ना, कोई कोई होते हैं मेरे को आता है, हैं वो क्या करते हैं, यस सर सीता हैड गॉन टू जंगल विद राम, चलो पागल लेके हैं, चलो। सो विल यू हैव लंच विद अस, क्या आप हमारे साथ लंच मारोगे, क्या आप हमारे साथ खाना खाओगे, सो वो क्या बोलेगा, अगर है, अगर हाँ तो कह देगा, और एक क्या होता है अगर कोई नहीं लाया होता है, या फिर कोई ऐसा होता है जो थोड़ा जैसे तैसे लाया होता है, वो बोलता है हाँ हम करेगा तेरे साथ, क्या बोलता है, हम तेरे साथ खाएगा, तो पूरा खा देता है, ऐसे करता है, ध्यान रखना है। सो क्या करोगे, यस आई इसको विल नहीं पढ़ते हैं, इसको इल पढ़ते हैं, इल जो बीमारी वाला होता है, इल, ठीक है। अगला, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी ऑफ टी, क्या आप एक ग्लास चाय पीना पसंद करेंगे, एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, अच्छा ये पूछता वही लोगे जो साला देता नहीं, देने नहीं खोजता है, ये ध्यान रखना, पूछता वही लोगे जो देने ही नहीं खोजता है, वरना पूछ के नहीं, बिना पूछे सब देता है, है? चलो जी, सो वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी ऑफ टी, या वो क्या बोलेगा, यस यस आई, अब क्या कह रहेगा, इसमें से कहां मिला हेल्पिंग वर्ब, दिस वुड, यस आई वुड, सब में आपको डू डस नहीं लगाने को। अगला, डू योर फ्रेंड्स गो टू वॉच मूवी, क्या आपके जो दोस्त हैं मूवी देखने जाते हैं, क्या आपके जो दोस्त हैं मूवी देखने जाते हैं, आप क्या बोलोगे, हाँ वो करते हैं, हाँ वो जाते हैं, सो हाँ वो, देखो ध्यान रहे यहाँ पर एक से ज्यादा का बात हुआ है, सो आप क्या बोलोगे, यस दे यूज करोगे एक से ज्यादा के लिए, यस दे यहाँ पर डू लिखा है, तो इसको देख के नहीं लिखना है, एक से ज्यादा के साथ ऐसे भी डू लगता है, सो वो देख के लिखना है, हैं? चलो जी अगला, सो आर दे स्लीपिंग नाउअडेज, लॉकडाउन का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, सब सो रहा है क्या, हाँ वो लोग सो रहे हैं, सो क्या करोगे, यस दे, अब ये किस तरह का कंटिन्यू वाला है ना, तो कंटिन्यूअस सेंटेंस है, राइट, कंटिन्यूअस वाला टेंस का सेंटेंस है, आपको क्या करना है, इसके साथ दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, सो यस दे आर, सो बस ये क्या थे, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, अब हम लोग कुछ होमवर्क करेंगे, आप लोग इसको क्या करोगे, बना के मुझे आप भेजोगे, ठीक है, चलो वादा करो सबको बना के भेजेगा, नौटंकी नहीं, चलो। सो ये हमारे क्या है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ने के पहले एक बात बता देते हैं हम आपको, कि बच्चा आपको अगर हमसे जुड़ना है, हमारे ग्रुप से जुड़ना है, आपको अगर हर दिन कन्वर्सेशन वगैरह चाहिए, जिससे जो कुछ बच्चे हैं जो सीख रहे हैं हमारे साथ अभी, है ना, और बहुत बच्चे आगे बढ़ चुके हैं दुनिया में, हैं छोटे से कल पैदा हुआ बच्चा से लेकर बुढ़ऊ तक हमारे पास है, चार क्लास से, चार साल से लेकर हमारे पास 40 साल 50 साल तक आदमी सब पढ़ रहा है, सब सीख रहा है, आप भी सीखो। तो ये जो नंबर है हमारे पास क्या है, 6207-6207-9881, ये हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, आपको जो करना है करो, है, यू विल गेट नॉलेज, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स विथ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ मिलेगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। सो आपको क्या करना है, चैनल को ये जो वगैरह है इसको शेयर करो, बच्चा लोग सीखेगा जो नहीं जानता है, या फिर जो ज्यादा जानता है उसको शेयर करो, कोई सीखेगा, है, नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब मारो प्लीज, थोड़ा सा दया करो बच्चे, ये सब करो जिंदगी में, चला ठीक है। सो क्या हो गया, डिड माय मां कुक राइस, क्या मेरी मां ने राइस पकाया है। अगला, डिड योर ब्रदर बीट यू, अगला, हैज योर सिस्टर गोन टू हॉस्पिटल, नेक्स्ट वन, हैड योर टीचर गिवन मी गिवन यू नोट्स, डू यू हैव माय इंग्लिश कॉपी, कैन यू डांस विद मी, एंड द लास्ट वन इज मे आई कम इन सर। सो ये देखो, जल्दी से लेना है, ले लो मेरा फोटो, ले लेना कहीं,
एक नंबर, ठीक है। सबको क्या करना है, बस ये सब देखो फिर जिंदगी में मजा करो, ज्यादा नहीं बोलूंगे बोलेंगे भाई, आराम से आप जियो जिंदगी अपना, खुशी से रहो, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर।